मुंबई के चेंबूर कैंप इलाके में वार्ड क्रमांक 154 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर स्थानीय नगर सेवक महादेव शिवगण और राजश्री पालंडे के नेतृत्व में पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला इंडियन एयरफोर्स के जरिए लिए जाने पर जल्लोष के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। जश्न तो खुशहाली है, खुशी है हमें, इसलिए हम जश्न मना रहे कि हमारे सैनिकों ने आज बहुत बड़ी उपलब्धि पाई है, एक बड़ी कार्रवाई की है जो हम चाहते थे, सभी हिंदुस्तान चाहते थे। इसका जब 14 तारीख को आतंकी हमला हमारे सैनिकों पे हुआ था और हमारे 40 सैनिक शहीद हुए थे, तो हमें दुख था। हम चाहते थे, पूरा हिंदुस्तान चाहता था कि इसका बदला लिया जाए, और आज वही हुआ। हमारे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इसका बदला हम जरूर लेंगे, खून के हर बूंद का हम बदला लेंगे। तो खाली 12 दिन हमारे हिंदुस्तान में कहावत है, 12 दिन हमारे हम दुख मनाते हैं और 13 दिन में हम खुशी मनाते हैं, या तो सब आपके साथ खाने आप भोजन करते हैं और लड्डू बांटते हैं। आज मोदी जी ने वही किया, 13वें दिन में हिंदुस्तान में लड्डू बांटने का दिन लाया। उन्होंने सैनिकों को कहा था आप इसका बदला आपके हिसाब से, आपके निर्णय के अनुसार, आपकी क्षमता से आपको लेना है, कभी समय और स्थान आपने निश्चित करना है। हमारे सैनिकों ने समय भी सही चुना और स्थान भी चुने, जो आतंकी के हम अड्डे थे पाकिस्तान में, वो 3 जगह पे रात को 3 बजे हमला करके उनको ख़त्म किया, नष्टनाबूद किया, और हमारे 40 जवानों के बदले 400 आतंकियों को ढेर किया। इसकी हमें खुशी है और आज इसलिए पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। अभिनंदन प्रत्येक जवानाचं करत आहे आणि ज्या प्रकारे मला असं वाटतं, एक डायलॉग मला आठवतोय राजकुमार जीचा की खून का बदला तो खून से लिया ही जाएगा, गोली का बदला गोली से लिया जाएगा, हम तो चुन चुन के मारेंगे लेकिन ऐसे मारेंगे कि बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा, लेकिन जमीन आपकी होगी। उसी प्रकार से भारतीय सेना ने किया है कि आपने थोड़े सा 40 लोगों का हमारे शहीद हुए, लेकिन 400 जवान पूरा दहशतवादी जो छावनी होती ती छावनी नष्ट केलेली आहे। आणि हे तर टेलर होता, पिक्चर अजून बाकी आहे। आणि भारताला तुम्ही असं सर्वसाधारण समजू नका, आणि पाकिस्तानला पूर्ण माहिती आहे भारत हा शक्तिशील देश आहे, युद्ध करू शकत नाही भारताबरोबर, आणि युद्ध केलं तर तुम्ही हरणार हे तर पाकिस्तानला सुद्धा माहीत असताना सुद्धा या छोट्या छोट्या दहशतवादी कारवाई करणं, आणि जर आज आपण हा बदला घेतला नसता तर जैश ए मोहम्मदने काही ना काही कारवाई केली असता, म्हणून त्यांना आज झटका दिलाय की तुम्ही हे केलंय ते चुकीचं आहे, आणि ह्याच्यापुढे करण्याची जर ताकद ठेवली तर पाकिस्तान नष्ट करण्याची ताकद भारतीय जवानामध्ये आणि भारतामध्ये आहे हे दाखवून दिलं मोदीजींनी। त्यासाठी सगळे नागरिक खुश आहेत आणि सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आपल्या आपल्या विभागामध्ये हा हर्षोल्लास आनंद व्यक्त करत आहेत, अभिनंदन करत आहेत, आणि आम्हाला आमच्या सैन्यांबद्दल गर्व आहे आणि तो गर्व कायमचा राहणार आहे।